वगैरह एकदम ढीला था, बट अभी सही करवा लिया है। चेक करो भाई स्पोक वोक। अरे ऐसे तो स्किट मारेगा तुम लोग, हम तो फिर बचेंगे नहीं। शायद बोलेगा ब्रेक ठीक करेंगे भाई, इसका देखते कैसे ब्रेक। काफी ज्यादा जल्दी मेरे साइकिल में हाइड्रोलिक देखने को मिले। अरे अरे पर जो ये सब किया हम लेके नहीं आएंगे तुम्हारा। मोबाइल हो रहा है भाई रिपेयर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एमटीवी जेड। सो गाइस चेक करो, आज शाहान का साइकिल भी खड़ी है। वालेकुम अस्सलाम। और भाई शाहान की साइकिल का भी स्पोक वगैरह कल के व्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने कि स्पोक वगैरह एकदम ढीला था, बट अभी सही करवा लिया है। ये चेक करो भाई, स्पोक वगैरह एकदम टाइट हो चुका है और अब चक्का नाच नहीं रहा है ना। हमको डर लग रहा था कि भाई चक्का खुल के फेंका ना जाए। हाँ भाई नहीं नहीं अब सही, अब वावल वगैरह नहीं कर रहा है। ज़्यादा स्टंट उंट मत करो भाई, कहे कि तुमको नॉलेज नहीं है, पता चला तुम तो वहाँ साइकिल बच गया, शायद तुम ही गिर गए। और भाई अपनी साइकिल भी खड़ा हुई है, मैंने आप लोगों को बताया था भाई पॉलिश किया था, तो भाई काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है भाई। मन करता है ऐसे ही देखते रहे भाई, साइकिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आज हम लोगों का मीटअप पॉइंट होने वाला है भाई रहा के पास। लग रहा है इसमें क्या क्रैंक खोला है। हाँ क्रैंक सेट का कवर खोले थे, पिछले व्लॉगिंग में खोल लिए थे भाई, बताया नहीं था मैं पता नहीं था। अच्छा तो आज का मीटअप पॉइंट होने वाला है अपना रहा लेन के पास, वहाँ से हम लोग का राइड शुरू होने वाला है। तो आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं हेलमेट सेटअप पे। निकल चुके हैं भाई राइड करने के लिए और पीछे अपना अयान भी अपने को ज्वाइन कर लिया है। और भाई आज जा रहे ओवरब्रिज वाले रास्ते से, क्योंकि रहा लेन जाओ या फिर उस तरफ का रास्ता ना यहीं से मतलब शॉर्टकट पड़ता है। हाँ अयान आ गया। और बताओ अयान क्या हाल चाल, ठीक अब सही है तो। अरे ऐसे तो स्किट मारेगा तुम लोग, हम तो फिर बचेंगे नहीं। नहीं क्या कर रहा है यार तुम लोग भाई, ऐसा ऐसा देख रहे ऐसा ऐसा रोड में स्किट मार रहे हैं लोग। ऐसा मत मारो स्किट यार, स्टॉप ही मार दे ना, स्टॉप ही मारो ना स्किट मारो, रोड में कुछ नहीं। हाँ मेला मेला तो घूम लिया भाई, तीन बार चले गए एक ही मेला में। चलो फिर अगर टाइम रहता है तो फिर मेला चलेंगे। गाइस हो सकता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जल्दी मेरे साइकिल में हाइड्रोलिक देखने को मिले, क्योंकि प्लान वगैरह बन रहा है भाई हाइड्रोलिक लेने का। देखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि दिसंबर के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक ले लूँ, देखते हैं भाई। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि हाइड्रोलिक ब्रेक लेना चाहिए या नहीं, आप लोग जैसा बोलोगे वैसे ही करूँगा मैं, तो कमेंट कर देना ज़रूर से। अरे अरे ओ ये क्या हो गया, बोले थे तुमको रोड में बीच में नहीं करने स्किट भाई, तो अच्छा वो खाली रोड था, कहीं बाइक रहता तो चढ़ा के चल जाता। हाथ में चोट लग गया भाई, रोड में गिरा है लगेगा ही यार, पहले बता दे रहे अब रोड में जो ये सब किया हम लेके नहीं आएंगे दोबारा। हाँ रोड में ये सब चीज़ नहीं करना, क्योंकि अभी वो गिरा तो अगर पीछे बाइक उक रहता तो फिर सब चीज़ रोड में कुछ नहीं। इमरान का मोबाइल हो रहा है भाई रिपेयर, और ये पुराना वाला बैटरी कितना दिन चला है? ये चल गया 5 साल। 5 साल बाप रे बाप। और ये चेक करो भाई, ये हो रहा है चेंज हो रहा है भाई बैटरी, नया बैटरी लग गया। तो गाइस फाइनली इमरान भाई का मोबाइल वगैरह ठीक हो चुका है और चाय वगैरह पी के वो वाले एरिया से निकल लिए। अब चलते हैं भाई राइड वगैरह करने के लिए, शाम काफ़ी हो चुकी है। टाइम की बात करूँ तो भाई बज रहे हैं 5:11 हो रहा है फिलहाल, और भाई अंधेरा भी हो चुका है अच्छा खासा। देखते हैं भाई चलते हैं राइड वगैरह करते हैं, अच्छा सा ब्लॉग बनाते हैं। भाई मैं चला रहा हूँ इमरान भाई का इलेक्ट्रिक वाला साइकिल। भाई उस बार जो मेरे साथ हुआ था ना, यहाँ से यहाँ तकरीबन यहीं से भाई मेरा इलेक्ट्रिक मोड ही ऑफ हो गया था, वो भी आते समय। और भाई मेरे को जो टालना पड़ा भाई साहब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टालना पड़ गया था उस बार, इसीलिए भाई इस बार मैंने इलेक्ट्रिक मोड ऑन करके लिया है। ऑन करके चलाते ना सही रहता है, और पैडल असिस्ट मोड ही में चला रहा हूँ, क्योंकि भाई ऐसे उतना मज़ा नहीं आता, बाइक वाला फीलिंग आता है। साइकिल में ऐसे ऐसा ऐसे चलाएंगे तो भाई साइकिल वाला फीलिंग आता है। 25 के ऊपर चला गया है साइकिल का स्पीड, अब पैर से टालना पड़ता है, पैर से टालते हैं भाई।
तकरीबन 35 का ऊपर है साइकिल। अरे भाई कैसे कुदा रहा है वो साइकिल, कैसे साइकिल कुदा रहा है, हम डर गए कैसे पैडल असिस्ट मोड में एक ही खराबी है भाई कि सामने ही नहीं देखता है कि सामने कोई है या नहीं है, पैडल मारेंगे बस भाई वो एकदम मतलब अचानक से टान देगा। शायद बोला कि हम ब्रेक ठीक करेंगे भाई, इसका देखते कैसे ब्रेक ठीक करता है, खाली वायर टाइट कर देगा उसे ब्रेक थोड़ा ठीक हो जाएगा। देखिए ना ऐसा ब्रेक हो जाएगा ना, मारेंगे ना ब्रेक में ऑयल ना हमारा, हो सकता है कोई ठीक नहीं है ऑयल स्लिप हो जाएगा तुम जैसे टाइट करो, ज़्यादा ढीला हो गया, ढीला हो गया ना ज़्यादा, ज़्यादा कम है थोड़ा सा टाइट रहेगा। देखिए वीली मार के आप सही होना चाहिए भाई, ब्रेक उक का काम अपने ही से हम कर लेते हैं, हमको मालूम है तो ब्रेक उक के लिए अपने ही से कर लेते हैं। अब देखते हैं भाई खाली वीली लग जाए, अब ये चेक करो भाई मेरी साइकिल पे वीली जाएगा, जितना उल्टा पुल्टा साइकिल है सब में समीर अच्छा वीली मारता है, इसमें बहुत बढ़िया था मेरी वीली मार। ना अगर साइकिल में वीली मारने में डर लगता है, ऐसा लगता है कि वीली मार कभी ये खुली है कि बिहाइंड में। अरे भाई अचानक से टाना भारी है ना बहुत, भारी का बात नहीं है तब फिर हर साइकिल में हर चीज अच्छा नहीं होता। समय नहीं चलेगा हमसे ही नहीं चलेगा, समझ में आ गया, जंप भी नहीं ले सकते, ले सकते क्या, देखो भाई मालूम था यार हालत साइकिल का काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ब्रेक भी पीछे का नहीं पकड़ रहा भाई, सामने कोई आ गया ना तो ब्रेक भाई काम नहीं करने वाला, मेरा आदत है पीछे का ब्रेक मारने का, बस यही डर है कि ब्रेक कहीं नहीं पकड़े तो गलत सीन होने वाला। कहाँ गया हो भाई, हमसे नहीं चलेगा यार, ये चेक करो गाइस, ब्रेक अच्छा रहता ना और लंबा लेके जाते भाई। मैं मानने वाला हूँ आयान के साइकिल में स्कीट, इसके साइकिल का ब्रेक सबसे ज्यादा खतरनाक है भाई पूरे ग्रुप में, तो मारते हैं भाई इसके साइकिल में। चलो भाई अब यहाँ से घुमाते हैं और चलते हैं, गाइस यहाँ हम लोग आ चुके हैं भाई गीतांजलि ढाबा कुछ खाने पीने के लिए, कुछ खाते पीते हैं यहाँ से फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। हाथ चेंज कर रहे हैं इन लोग, वाह गीतांजलि से निकल चुके हैं, समोसा वगैरह खाए और चाय वगैरह पी लिए,
अब भाई थोड़ा सा एनर्जी आ गया है और बंदे लोग में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गया, स्किट वगैरह कर रहे हैं सब बंदे लोग। ये चेक करो, बस बस भाई एनर्जी बचा के रखो, घर भी जाना है। हो ही गया है भाई, दो दो ठो समोसा खाया है फिर भी इसके अंदर एनर्जी नहीं आया। अरे यार ठंडा लग रहा है तो मतलब इसको बटन वगैरह लगा लेते हैं। हाँ यार ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। तुम भी अब से फुल ही पहन के आया करो यार। चलो अब टांगते हैं भाई। भाई वो चेक करो, वहाँ से ट्रेन जा रहा है ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से, पता नहीं गोप्रो में नज़र आता होगा या नहीं, ट्रेन जा रहा है भाई ऊपर से। गाइस हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर, काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। आयान तो भाई हाफ पहना हुआ, आयान तू मतलब बाप रे बाप, भाई कल से फुल पहन के आएगा नहीं तो ठंडा लग जाएगा पूरा। भाई बर्फ़ हो गया है हाथ इसका, बाप रे बाप। मन नहीं कर रहा है, ब्रेक ब्रेक स्टील ये अलॉय का है ना, मन नहीं कर रहा छूने का, इसीलिए देख नहीं रहा हम ब्रेक से हाथ हटा के रख रहे, ब्रेक मन नहीं कर रहा। और ये हैंडल के साइड में भी, ये भी जो अलॉय या स्टील का है ये भी छूने का मन नहीं कर रहा, एकदम ठंडा हो गया। चल कंट्रोल कर लिया, चलेंगे मेला। हॉस्पिटल वाला तीन बार जा गए क्या था? हाँ मेला घूम लिया। हाँ झूला सब झूला में बैठ रहे, मेरा सब में रिकॉर्ड है, हम हाथ नहीं पकड़ते किसी में भी, किसी का ये नहीं पकड़ते। फेरिस व्हील में टोरा 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 डर, उसमें उसमें ज़्यादा ही नहीं है, तारा माची में ज़्यादा डर नहीं लगता है। तुमको डर लगता होगा? एकदम कुछ नहीं डर लगता। ये वाला बार का टोरा टोरा बहुत भयानक था, बाप रे बाप बहुत डर लगा। करो शाहान अपना आ चुका है, शाहान गया था एक्चुअली ट्यूशन पढ़ने, ट्यूशन का टाइम हो गया था और ये चेक करो शाहान आ गया है। और भाई बताओ क्या करना है? शॉर्ट राइड छोटा भाई, हम लोग इतना लंबा राइड किए ना, कहाँ गए थे भाई? बहुत लंबा राइड हो गया भाई, गीतांजलि गए थे हाईवे। सो गाइस ये चेक करो भाई, हम लोगों ने लिया है कुछ मोमो वगैरह और शाहान भी खा रहा है भाई। उसका क्या नाम है? चिली मोमो। चिली मोमो, चिली चिकन के जैसा मोमो को बनाया जाता है भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है।